नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर में। और क्योंकि हम यहां पर आपको बताते चलें कि जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बोला हुआ है कि हम लोग करीब 45 प्रैक्टिस सेट जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, 45 प्रैक्टिस सेट जो है वो हम लोग करीब करीब सॉल्व करेंगे। तो इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी अपना एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट करा सकता है। हालांकि अभी तो कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी जो है एग्ज़ाम टलने की संभावना होगी, क्योंकि टेंडर जो है जब तक वो क्लेरिफाई नहीं होगा तब तक वो एनटीपीसी एग्ज़ाम नहीं करा पाएगी। बट ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी के तौर पर हमें इसे लेना चाहिए, और जब तक हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है तब तक जो है हमारा ये क्या नाम है ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व, तब तक हमारा प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर आज 7वां प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व कराएंगे आपके लिए, 7th प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके लिए सॉल्व कराएंगे। तो 7th प्रैक्टिस सेट की तरफ आते हैं हम, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 ओपन करते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे, बहुत ही जल्द जो है आपके सामने है ये 7th प्रैक्टिस सेट होगा, ये देखिए। तो 7वां प्रैक्टिस सेट जो है इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ से शुरुआत करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद इसे इसका जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, इससे कि जो जरूरी नोटिफिकेशन हैं आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। सो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है, जन्म दर न्यूनतम है। तो भैया यहाँ पर एक मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता दूँ कि केरल जो राज्य है वो सेंसस के मामले में काफ़ी अच्छा होता है हमारे, करता है हमारे यहाँ। अगर यहाँ पर आप जन्म दर की बात करते हैं या सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो काफ़ी बैलेंसिंग है यहाँ पर, जन्म दर काफ़ी कम है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो क्या है, केरला, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, केरला। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है। तो भैया सार्क के सचिवालय के बारे में हम पिछले प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर चुके हैं। सार्क को SAARC, ठीक है, SAARC सार्क के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है, और ये भी बताना है कि सार्क में जो 8 कंट्रीज़ हैं, कुल 7 सार्क में जो हैं जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 8 है। तो आपको मैंने जो है इन 8 सदस्य देशों के नाम भी बताए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में करके इनके नाम मुझे बताइएगा। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है काठमांडू, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, काठमांडू। तो सचिवालय जो है वो कहाँ पर है, काठमांडू में है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी आपको मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लिखा है सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी हिमालय की कौन सी है। देखिए हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, अगर यहाँ पर छोटा सा मैं हिमालय बनाने का प्रयास करूँ तो इस तरीके से हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये आप भारत के भाग में अगर देखेंगे तो इस तरीके से हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो ये जो सबसे ऊपरी वाली जो लाइन है ये नंबर 1 पे अगर देखा जाए तो ये बृहत हिमालय है, यानी इनको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं। इसके नीचे जो है आपका लेसर हिमालय है, और इसके नीचे जो है आपका ये शिवालिक रेंज है। तो इससे पूछा गया सबसे बाहरी रेंज कौन सी है, तो सबसे बाहरी रेंज जो है ये सबसे बाहरी रेंज यही वाली है, शिवालिक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा इसके लिए शिवालिक। और शिवालिक जो है ये आपको एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान में सिंध से लेकर के उत्तर पूर्व में क्या नाम ब्रह्मपुत्र नदी तक बहती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इसमें लिखा है सामान्यता किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो सामान्यता देखिए भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है वो राजा राम मोहन राय जी को जाना जाता है, और राजा राम मोहन राय के बारे में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। किसकी समाज की स्थापना करी थी, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने का काम भी इन्होंने किया था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही चल गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिखा है प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। तो सबसे पहले समझते हैं प्रायद्वीपी भारत क्या है। अगर हम भारत का नक्शा थोड़ा सा बनाएं तो आपको ये गुजरात का हिस्सा और फिर दक्षिण भारत का ये हिस्सा इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भारत का साउदर्न पार्ट है। तो यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है आपकी। तो ऐसा लैंडफॉर्म जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, ऐसा कोई भी लैंडफॉर्म जो तीन तरफ से कैसे घिरा हो, पानी से घिरा हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये इसको बोला जाता है पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप। तो यही प्रायद्वीप है, इसी को प्रायद्वीप के नाम से हम लोग जानेंगे। तो
अब पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपी भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। और ये 1465 किलोमीटर लंबी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबी है। अगर देखा जाए तो गंगा के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और इसको दक्षिण गंगा यानी कि साउथ गंगा के रूप में भी जाना जाता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक आदि से होकर के ये नदी गुजरती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है किसने स्टेनलेस स्टील में कठोर निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो भैया स्टेनलेस स्टील में कठोरता लाने के लिए हमको कार्बन मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है? कार्बन मिलाना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है स्टेनलेस स्टील से के कठोरता किस किसके कारण आती है? कार्बन के कारण आती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? तो यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ पेड़ पौधे के बारे में, एक छोटा सा बेसिक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि सपोज दैट ये कोई पेड़ है, और यहाँ पर इसके नीचे इसकी जड़ें होंगी यहाँ पर, और ये पेड़ का तना था और ये हमारा पूरा पेड़ बन गया। तो अब अगर इस पेड़ की बात करते हैं तो पेड़ की बात करते हैं तो जल है, पोषक तत्व है, ये सारे जो पदार्थ हैं ये पौधे के एक भाग से यानी कि जड़ से लेकर के पूरे पूरे प्लांट में यानी कि लीफ तक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है, ये करने का काम जो है वो जाइलम का है। ये किसका है? जाइलम का है। तो इसी के अपोजिट एक दूसरा पॉइंट भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसी का अपोजिट दूसरा पॉइंट बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर जो आप 7 देख रहे हैं इसका ऑप्शन जरा देख लेते हैं। इसके दूसरा ऑप्शन लिखा है फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट और ये। तो फ्लोएम जो काम करता है वो क्या काम करता है? वो जितने भी जो कह सकते हैं भोज्य पदार्थ जो होते हैं यानी कि संश्लेषित भोजन जो होता है, पत्तियों के माध्यम से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम फ्लोएम करता है। तो ऑप्शन इसका जो है वो सही जो होगा वो ऑप्शन सही होगा कौन सा? फ्लोएम। ठीक है, तो आपको सिंपली ये समझना है कि जड़ों से पत्तियों तक ले जाने के लिए जाइलम है, और पत्तियों से जड़ों तक प्रिपेयर्ड फूड को पहुंचाने के लिए फ्लोएम काम करता है। तो ये चीज़ इसमें करेक्ट आंसर आ गई इसकी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कपड़ा धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन यानी कि कपड़ा धोने की जो मशीन है ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है भाई। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं अपकेंद्रीयकरण। क्या बोल सकते हैं इसको? अपकेंद्रीयकरण यानी कि अपकेंद्रीय मतलब सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। घूमती हुई कोई भी चीज़ होती है तो उसमें बाहर की ओर एक बल लगता है, बाहर की ओर एक जो बल लगता है इसी बल का प्रयोग करते हुए वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धोए जाते हैं तो कपड़ों में जो गंदगी वगैरह होती है वो कम घनत्व वाले पदार्थ होते हैं एक तरीके से, वो इस तरीके के घूर्णन करने से जो कपड़ा है उसका साथ छोड़ देते हैं और इस तरीके से कपड़ा साफ हो जाता है। तो इसी का प्रयोग करके आपकी कपड़े धोने की मशीन बनाई जाती है। तो इसका आंसर नंबर रहेगा 4। आगे लिखा है जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंगानुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? तो लिंगानुपात का मतलब क्या है यहाँ पर? 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, नहीं सॉरी 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या नहीं, बल्कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, इसको बोलते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब ये हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लिंगानुपात की तो भारत में लिंगानुपात जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, पर फिर भी अगर देखा जाए तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है वो लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग जो कि 2011 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग 943 है, 943 यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ये जो है आपको ध्यान रखना है रेशियो। 10वां क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र जो है भाई वो तो स्थित है आपका, परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो स्थित है आपका कहाँ पर? ये रावत भाटा में। कहाँ पर स्थित है? रावत भाटा में। और रावत भाटा जो है ये चित्तौड़गढ़ में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रावत भाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो वैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रावत भाटा। अगला क्वेश्चन है निजता का अधिकार किससे संबंधित है या किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार भैया आता है अनुच्छेद नंबर 21 के अधीन। किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 21 के अधीन, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करी गई है। लेकिन अनुच्छेद 19 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 जो है हमें बोलने आदि की स्वतंत्रता देता है, इसे प्रेस का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण जो है ये आपको अनुच्छेद 20 में मिलता है, प्रोटेक्शन ऑफ कह सकते हैं कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेज जो है इसमें आपको मिलते हैं आर्टिकल नंबर 20 में। और आर्टिकल नंबर 18 जो है ये आपको प्रोहिबिट करता है या कह सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है इसमें, यानी कि कहीं ना कहीं आपको उपाधियों का आपकी उपाधियों का अंत करता है।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, लिखा है जहां शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में विदेशी यात्री जो आया था उसका नाम था मुनक्की या मुनीच। ठीक है, इसका नाम क्या था? मुनक्की कह सकते हैं आप, या इसे आप मुनीच कह सकते हैं, मुनीच कह सकते हैं। ठीक है, ये इटली का यात्री था जिसका नाम था निकोलो मुनीच। ठीक है, निकोलो मुनीच। बाकी अगर आप इन दो लोगों की बात करते हैं, थॉमस रो और विलियम हॉकिंस की, तो ये जो है ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। इब्न बतूता जो था ये आपका आया था, जो तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके समय में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है निम्नलिखित में अधातु कौन है? तो अधातु इनमें से कौन है? इनमें में अधातु जो है वो फ्लोरीन है। ठीक है, इसमें अधातु कौन है? फ्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एफ। आगे क्वेश्चन लिखा है मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो श्रवण से संबंधित जो पाली है उसे हम लोग अंश पाली के रूप में भी जानते हैं, और यहाँ पर सॉरी शंख पाली के रूप में भी जानते हैं। तो शंख पाली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट लिखा हुआ है चेर्नोबिल महाविपदा। तो चेर्नोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो चेर्नोबिल महाविपदा जो है ये प्रदूषण का परिणाम है रेडियोधर्मी अपशिष्टों के। ठीक है, किसके प्रदूषण का परिणाम है? रेडियोधर्मी अपशिष्टों के। चेर्नोबिल महाविपदा के बारे में अगर बताया जाए तो ये एक भयंकर परमाणु दुर्घटना थी जो कि 26 अप्रैल 1986 को घटित हुई थी, और कहाँ पर घटित हुई थी? सोवियत संघ में। ठीक है, सोवियत संघ में यूक्रेन में एक जगह है, वहाँ पर प्रिप्योट नाम की एक शहर है, वहाँ पर यह घटना घटित हुई थी। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये एक रेडियोधर्मी अपशिष्ट हुआ करता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा रेडियोधर्मी अपशिष्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण का निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ है? तो केरल पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो है वो थोरियम के कारण से हुआ है, और केरल पे जो थोरियम की बहुत ही प्रचुर मात्रा है, मैं कह सकता हूँ कि केरल के तट पर जो थोरियम की जो प्रचुर मात्रा वाला जो एक तत्व होता है जिसको मोनाजाइट बोला जाता है, तो मोनाजाइट रेत का बहुत ही बड़ा विशाल जो है कह सकते हैं बहुत ही बड़ा भंडार है जो कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रदूषण के लिए उत्तरदायी भी होता है। आगे लिखा है स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? तो स्तनधारियों में प्रदूषण के लिए जो महत्वपूर्ण अंग है वो है गुर्दा। गुर्दा यानी कि वृक्क, इसको हम लोग किडनी बोलते हैं। जैसे बड़ी आंत है तो बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, फेफड़ा लंग्स होता है, जिगर जो है उसको यकृत बोलते हैं, यकृत को लीवर भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये जो गुर्दा होता है ये कह सकते हैं कि सेम के जो दाने होते हैं उस आकार का, इस तरीके से दो मतलब एक जोड़ी में होता है। ठीक है, किडनी इसको बोला जाता है, और ये स्तनपायियों में पाया जाता है। और वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो यूरिया है, सॉल्ट है, और जो अधिक जल है या जितने भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको खून से निकाल करके, रक्त से निकाल करके, मूत्र के रूप में कन्वर्ट करके इसको बाहर करने का काम करता है ये। ठीक है, तो ये गुर्दा है इसके आंसर। आगे लिखा हुआ है द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य लिखित में से किस कृषि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है अंतर्वृष्टि वृद्धि से। किससे रिलेटेड है ये? अंतर्वृष्टि वृद्धि से रिलेटेड है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको लक्षित किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन में लिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? इस क्वेश्चन को मैंने दूसरे तीसरे प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराया था, तो इसका आंसर आप यूं ही बता सकते हैं कट से, इसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ, और इसके बारे में डिटेल जो है आपको दूसरे तीसरे प्रैक्टिस सेट में मैंने कराया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। लिखा है इसमें पुर्तगाल के कौन से पुर्तगाली नेता हैं जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार पॉलिसी की शुरुआत करी थी? तो देखिए, पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी एल्मेडा, ये 1504 में भारत आया था, 1504 में भारत आया था, और इसी ने ऑपरेशन ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इसकी शुरुआत करी थी। और कह सकते हैं कि ये मतलब इसकी इस नीति के अनुसार अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों को जो पूरा हिंद महासागर का जो एरिया था और अरब सागर का जो एरिया था उस पर एकमात्र व्यापारिक शक्ति के रूप में स्वयं को उभारने का प्रयास किया गया था, और वो चाहता था कि पूरे के पूरे वाटर एरिया में, यानी कि इसीलिए वजह से ब्लू वाटर पॉलिसी है, तो पूरे वाटर एरिया में समुद्र के पूरे जल के हिस्से पर वो अपना एकाधिकार करना चाहता था, जिससे कि विदेशी लोग यहाँ पर आकर के व्यापार ना कर सकें, और इसने जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किलेबंदी भी करनी शुरू कर दी थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 21 अभी सॉल्व करना है ना, क्वेश्चन नंबर 21 इधर है।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम क्या करता है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उसमें से जो एंजाइम है वो अपनी कोशिका को स्वयं पचा लेते हैं। तो इसी वजह से लाइसोसोम को आत्महत्या बोला, आत्महत्या कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है सेल का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गॉल्जी बॉडी जो है ये प्रोटीन का केंद्र होता है एक तरीके से। आगे लिखा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? तो ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो है ये विश्व बैंक समूह के द्वारा प्रकाशित और तैयार किया जाता है। निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कृष्णा गोदावरी। तो गोदावरी कृष्णा को सबसे पहले जोड़ा गया था सितंबर 2015 में। सितंबर 2015 में क्या हुआ था कि जो गोदावरी के पानी को निकाल करके कृष्णा के पानी में मिलाया गया था, ठीक है, एक नहर के माध्यम से बाढ़ से बचने के लिए। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो कुख्यात जो विश्वासघाती मीर जाफर है ये संबंधित है भैया प्लासी के युद्ध से। किस युद्ध से संबंधित है? प्लासी के युद्ध से संबंधित है। 1500 नहीं, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, प्लासी के युद्ध से संबंधित है। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये आपका हुआ था 1757 में। और इसी युद्ध को भारत में अंग्रेजी राज के लिए टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है, क्योंकि मीर जाफर ने अपने राजा के साथ सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करी और अंग्रेजों से जा मिला। बाद में अंग्रेजों ने इसे अपने टट्टू के रूप में या अपने वफादार के रूप में बंगाल का राजा भी बना दिया, जिससे कि बंगाल को लूटने में आसानी हुई। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु क्या होगा? देखिए, समुद्र की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है और ताजे जल में सैलिनिटी कम होती है। तो जिसमें सैलिनिटी ज़्यादा होगी उसका हिमांक निम्न होगा, यानी वो जल्दी जम जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय में आर्द्र पवनें कहाँ से बहती हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में जरा समझ लेते हैं। ऐसे कि भारत का ये दक्षिणी पश्चिमी तट की बात कर लेते हैं, ये दक्षिण पश्चिमी तट ये वाला तट हो गया, ये वाला तट। तो जब मानसून आता है वो इस तरीके से आता है, ऐसे करके आता है ऐसे। तो आप जरा देखिए, ये तो है अरब सागर, और अरब सागर हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है, यहाँ पर ये अरब सागर है। तो हिंद महासागर से ऐसे उठ के यहाँ पे जा रहा है, तो आप बताइए ये समुद्र है ये स्थल है, तो पवने किधर से किधर चलेंगी? समुद्र से स्थल की ओर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र से स्थल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लिखा है, फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है, तो .avi का फुल फॉर्म देख लेते हैं। .avi का फुल फॉर्म होता है ए फॉर ऑडियो, वी फॉर वीडियो और आई फॉर इंटरलीव। तो ऑडियो वीडियो इंटरलीव ये जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, अभी पिछले सेट में या पिछले के पिछले सेट में हमने बात करी थी। तो हीराकुंड जो है वो किस नदी पर है? महानदी पर है। और ये कहाँ पर है इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 को अगर देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करी गई है यहाँ पर। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को देखने के लिए किस क्रम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यू स्लॉट सॉर्टर, स्लाइड सॉर्टर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही कॉमन सजेशन है, ये आपको व्यू के ऑप्शन में मिल जाएगा और जो स्लाइड्स होती हैं उसके दाएं हिस्से में भी नीचे की ओर मिलता है। फिर लिखा है, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छाऊ जो है, मैं आपको बता दूं कि छाऊ ये झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, परंतु झारखंड के अलावा और जगहों पर भी इसको मनाया जाता है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। कहाँ कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। तो उड़ीसा में भैया इसको जिस नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में इसको अलग नाम दिया जाता है, उड़ीसा में नाम दिया जाता है इसको मयूरभंज छाऊ, और बंगाल में इसको पुरुलिया छाऊ के नाम से जाना जाता है, और झारखंड में इसको भैया सराय केला छाऊ के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, एम एस एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस सिंबल के साथ आरंभ होते हैं? तो एम एस एक्सेल में सभी फॉर्मूले इक्वल सिंबल के साथ आरंभ होते हैं। ठीक, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में जाना जाता है? तो हेलोफाइट्स के रूप में जो मतलब ऐसी पादप जाति आती है जो अधिक से अधिक खारे जल में पैदा होती है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरवन। सुंदरवन जो है वो डेल्टा भी है पश्चिम बंगाल में और दलदली इलाका भी है। ठीक है, इसमें से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म जो है इसमें से कौन सा है?
तो समदाब रेखा तो दाब को प्रदर्शित करती है तो सही है, लेकिन सम वर्षा वाली जो रेखा है ये समान वर्षा को रिप्रेजेंट करती है, तो यही गलत है इसमें, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, लिखा है सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में माना जाता है, तो सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में माना जाएगा भाई, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को हम लोग पूंजी व्यय के रूप में जानते हैं, किसके रूप में जानते हैं, पूंजी व्यय के रूप में। विंडो 8 में ओपन विंडो के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है भैया, अगर क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आर्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, आर्ट प्लस टैब का। ठीक, विंडोज 8 की बात करी जा रही। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कंट्रोल के बाद राइट, देखिए एक होता है राइट एरो, ये होता है लेफ्ट एरो, तो राइट एरो का प्रयोग करने के लिए दाई तरफ बढ़ने के लिए किया जाता है, तो कर्सर को दाई और अगले वर्ड पर मूव कराने हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है, और बाई ओर कराने के लिए आप लेफ्ट कर्सर को, लेफ्ट एरो को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, पूछा है एनएसडीएल का विस्तारित रूप क्या है, NSDL का विस्तारित रूप, तो NSDL का विस्तारित रूप है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं, लिखा है MS पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो MS पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड, कहीं भी फर्स्ट अगर आना है, फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट पेज, कुछ भी ऐसा करना है, तो पेज होम बटन जो है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और होम के बटन के साथ एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिया है कंट्रोल प्लस होम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, कंट्रोल प्लस होम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखा है वनों के वितरण को देखने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, तो वनों के वितरण को देखने के लिए थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थीमेटिक माउंटेन। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, लिखा है मीथेन CH4 के अणु में केवल एकल अबंध है या द्विबंध है या तिबंध है या एकल और तीन द्विबंध हैं, तो देखिए ऐसा है एक एकल और एक और तीन द्विबंध, तो कहने का मतलब ये देखिए CH4 की अगर हम संरचना बनाएंगे तो CH H H और H, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एकल आबंध है। तो भैया ये थे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व कराए आपको, और ये किस प्रैक्टिस सेट के हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के हैं जो कि किरण पब्लिकेशन से रिलेटेड है, तो किरण पब्लिकेशन के 7वें प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जहां तक टेस्ट से पहले हमने प्रयास किया है 45 प्रैक्टिस सेट जो है वो हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम से पहले सारी तैयारी हो जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारी जो तैयारी का एक क्रम है, पूरा सीरीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा। बेटा आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसे कमेंट करना ना भूलिए, अगर आपको कोई भी परेशानी इसमें समझ में आ रही है तो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।